सज्जनगढ़ मतलब शहर के हर कोर कोने से दिखने वाला वो आसियाना जो हवाओं में झूलता हुआ प्रतीत होता है। ये वो महल है जिसे देखकर हवाओं में वो खनक आ जाती है कि मांड के कणों का रूप लेकर कभी हवाएं पधारो हमारे देश तो कभी केसरिया बालम के गीत गुनगुनाने लगती हैं। ये सर्दियों के दिनों में बादलों की ओढ़नी ओढ़कर पहाड़ों में दुबक जाता है तो गर्मियों में शीतल हवाओं के साथ सुकून के टोकरे भर भर कर लाता है, जबकि बारिश में ये आसमान को ही धरती पर लेकर आ जाता है, जिसके चलते इसको मानसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं राजस्थान की झीलों की नगरी कही जाने वाली उदयपुर सिटी में, और उदयपुर के मैं हूं अभी सज्जनगढ़ पैलेस पे। ये है सज्जनगढ़ पैलेस जिसको मानसून पैलेस के नाम से जानते हैं। 1883 में महाराजा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण कराया था। बहुत ही ऊंची चोटी पे ये बना हुआ है। नीचे से अगर आप देखेंगे तो पूरा उदयपुर शहर दिखता है। यहाँ से यहाँ पे आने के लिए आपको नीचे से ही मेन गेट है, वहाँ से टिकट मिल जाएगा जो पर पर्सन 100 रुपये का पड़ता है। और अगर आप यहाँ से अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, अगर आपके पास बाइक है तो 55 रुपये का उसका पार्किंग का टिकट है, और अगर आपके पास 4-व्हीलर है तो 303 रुपये का शायद उसका टिकट है। वहाँ पे इसका मेन गेट है। दोस्तों यहाँ पे बॉलीवुड के कई गानों की शूटिंग हुई है। आप लोगों ने कयामत से कयामत तक जो मूवी है उसका एक गाना सुना होगा, घूंघट की आड़ से दिलवर का। उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। जीत फिल्म का एक गाना है, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, उसकी भी शूटिंग इस किले पे हुई है। हमको तुमसे प्यार हुआ है। यहाँ पे बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। 1983 में बनी जेम्स वॉन्ट की ऑक्टोपसी के कुछ दृश्यों का शूट भी यहाँ पे किया गया है। उदयपुर शहर के टूरिस्ट मैप में मानसून पैलेस के नाम से पहचान रखने वाला सज्जनगढ़ का किला समुद्री तल से 3100 फीट ऊंचाई पर है। शहर में इससे ज़्यादा ऊंचाई पर कोई भी इमारत नहीं है। यह उदयपुर की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। करीब 132 साल पहले मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह ने खास तौर पर मानसून के बादलों को देखने और बारिश का अनुमान लगाने के लिए इसको बनवाया था, जो कि उदयपुर की एक अद्भुत महल नुमा इमारत है। दोस्तों यह सुंदर महल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। यहाँ सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए रोजाना सैकड़ों टूरिस्ट पहुँचते हैं। महल में बने कई फीट ऊंचे स्तंभों को फूलों के रूपांकनों और पंक्तियों के साथ डिज़ाइन किया गया है। यह 9 मंजिला इमारत खगोली केंद्र के रूप में कार्य करती थी, जिसको मानसून के बादलों पर नज़र रखने के लिए बनवाया गया था। सज्जन सिंह का अकस्मात निधन होने से महल का निर्माण रुक गया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह ने महल का निर्माण पूरा किया था। उदयपुर में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर यह पैलेस बना है। ऐसे में बारिश की पहली बूंद इस पैलेस पर ही गिरती है। ऐसे में राज परिवार मानसून का लुप्त उठाने यहीं आया करते थे। इस महल का इतिहास मेवाड़ राज्य के इतिहास को दर्शाता है। मानसून पैलेस के निर्माता महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ राजवंश के 72वें शासक थे। उन्होंने उदयपुर में करीब 10 साल शासन किया था, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सज्जन सिंह को बहुत कम उम्र में राजगद्दी पर बिठाया गया था। यहाँ से जो नीचे गांव है उनका पूरा नज़ारा दिखता है, ये देखो। अभी हम इसके ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं।
हम लोग मानसून पैलेस घूम के आ चुके हैं, सज्जनगढ़ फोर्ट से वापस जा रहे हैं। अगर आप उदयपुर आना तो सज्जनगढ़ पैलेस जरूर आइएगा, यहाँ से आप पूरे उदयपुर शहर का नज़ारा देख सकते हैं। शाम के टाइम आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। वैसे मानसून का मौसम है तो नज़ारे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, शाम के टाइम आएंगे तो और भी अच्छा आप लोगों को लगेगा। किले से नीचे जब हम लोग उतरते हैं ना तो यहाँ पे भी एक ये छोटा सा बना हुआ है, ये उस ज़माने में सेना के लिए बनाया गया होगा। जो यहाँ पे राजा के सैनिक रहते थे ना वो रहते होंगे, क्योंकि यहाँ से इसका एंट्री गेट है, यानी ऊपर जाने के लिए है किले पे। अभी फ़िलहाल ये बंद है, इसमें पुराना सामान वगैरह भरा हुआ है तो अंदर नहीं जाने देते, इसमें स्टोर रूम के तौर पर इसको यूज कर रहे हैं।